टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जरूरतमंदों को पैसा देकर और ब्याज वसूलने के मामले में रतलाम पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को पुलिस ने इनके कार्यालय में दबिश देकर नकदी और मोबाइल, चेक, लैपटॉप सहित अन्य सामानों की बरामदगी की। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में इन्हें पकड़ा है। सूदखोरी के लिए इन लोगों ने एक फर्जी बालाजी फाइनेंस नाम की कंपनी ही खोल डाली थी और गैर कानूनी तरीके से ये लोगों को पैसा देकर उनसे ब्याज लिया करते थे। आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांग, अविनाश टांग, नागेश्वर इंद्रपाल झाला एक अन्य आरोपी के पास से ब्याज देने के लिए जो फर्जी कंपनी बनाई गई थी, इस मामले में 31 लाख की नकदी सहित अन्य सामग्री पुलिस ने जब्त कर लिया। वही आरोपी दीपक उर्फ दीपू टांग, विनोद उर्फ विनू शर्मा, बलवंत उर्फ बल्ली गोयल, अविनाश उर्फ चिंटू टांग निवासी दीन दयाल नगर में 50,000 रुपये देकर बदले में मुकुल पवार पर एक अन्य युवक की हत्या करने की सुपारी देने का दबाव बनाया था। मामले में औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 115, 384 और हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं एक और मामले में इन आरोपियों पर 384, 385, 386, 323, 341, 294, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद CSP हेमंत चौहान ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक दीपक टांग नाम के व्यक्ति के विरुद्ध में भाई ने भाई को सुपारी दी, इस नाम से प्रकरण मशहूर हुआ था। उसमें दीपक टांग ने एक व्यक्ति को अपने ही भाई की सुपारी दी थी, जिसमें कि उस घटना के पहले ही उसको हमने ट्रेस कर लिया और कार्रवाई की थी। ये जो दीपक टांग है यहाँ पर ब्याजखोरी का धंधा करता है, सूदखोरी का काम करता है, जिससे काफ़ी लोग परेशान थे। और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी की सूचना मिली तो इसके जो भी एक परेशान व्यक्ति था उसके द्वारा सूचना आईए थाने में दी गई, जिसमें आईए थाने में अपराध क्रमांक 205/21 पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। विवेचना में आगे में फिर दीपक टांग और इसके साथ काम करने वाले इसके भाई अविनाश टांग और साथ में 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में इनके ऑफिस की सर्च की गई, जिसमें कि ऑफिस से दीपक टांग की निशादेही से कुल 20 लाख रुपये दीपक टांग के पास से जब्त हुए हैं। अविनाश टांग से कुल 5 लाख रुपये जब्त हुए हैं। इंद्रपाल झाला जो ये गिरफ्तार हुआ है इसके पास से 1,29,900 रुपये और ऑफिस में एक वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता था, जिसके माध्यम से ये अपने लोगों को फ़ोन लगाते थे जिनसे इनको ब्याज कलेक्शन करना रहता था और जिनको ब्याज पर पैसा देना रहता था। इसके अलावा एक आरोपी नागेश्वर राव है, इसके पास से ब्याज के लेन देन की सूची 1 लाख रुपये, छोटू जोशी से ब्याज के लेन देन की सूची 2 लाख रुपये और अर्जुन टांग जो कि दीपक टांग के रिश्ते में चचेरा भाई है, इसके पास से भी एक ब्लैंक चेक और 1 लाख रुपये इसके पास से भी जब्त हुए। इस प्रकार से कुल 31,29,900 रुपये की धनराशि जब्त हुई है। डायरी भी जब्त हुई थी जो कि हमने आपको पूर्व में बताते हैं, डायरी भी जब्त हुई है जिसमें कि इनका एक मासिक लेनदेन किस प्रकार से होता था, ब्याज पे कैसा पैसा देते और ब्याज पे वसूलते थे और एक माह की उस डायरी में लगभग 26 लाख रुपये इन्होंने ब्याज पे वसूला था। अभी तक कितने आवेदन आए हैं? अभी तक हमारे पास 12 आवेदन अभी तक आ चुके हैं इसमें, जो कि हम उस पर कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर 306, 307 धारा IPC के भी और रेणु के संरक्षण अधिनियम के तहत भी कुल 33 और लगभग 34 प्रकरण पंजीबद्ध थे पूर्व में। अभी और एक साथ में एट्रोसिटी और 354D का भी प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ है इसके ऊपर। शराब के मामले में पहले भी इसके बिल्कुल शराब के भी इसमें मामले पूर्व में आए संज्ञान में, इसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि कोई लिंक मिले इस पर भी कार्रवाई करें। इसके अलावा जो इसने अवैध धनराशि अर्जित की है इस सभी कार्यों से, तो इसमें जो जो चल अचल संपत्ति इसने अर्जित की इसके संबंध में भी हम जानकारी ले रहे हैं। कुछ वाहनों की भी जानकारी मिली जो इसने गाड़ियाँ खरीदी हैं, लगभग कोई 1,000 स्पेसिफिक इसका नंबर रहता था नंबर प्लेट पे, उनकी भी हम जानकारी लेके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। आयकर विभाग बिल्कुल उनको भी संज्ञान में दिया है और उसमें भी हम आगे कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके खिलाफ टोटल 32 मुकदमे आप बता रहे हैं। हमेशा ये होता है कि पुलिस देखने में आती है कि 6-7-8 मुकदमे होते हैं और बदमाश को जिला बदर कर दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल 32 थे लेकिन अभी तक जिला बदर की कार्रवाई पूर्व में भी एक प्रक्रिया की जा चुकी है और वर्तमान में भी इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।